अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज मेरे चैनल पे एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो अपलोड हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां हैं, सर्दियों में माल्टे हर घर में पसंद किए जाते हैं, बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। और माल्टे के छिलके जिनको हम फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि इन छिलकों का कितना ज्यादा फायदा है। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि इन छिलकों का कितना ज्यादा फायदा है। इस फायदे के बाद आप माल्टे के छिलके बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ कि इन माल्टों के छिलकों का हम क्या करेंगे। तो जी विवर, जैसा कि आपको पता है कि किचन में टाइल्स लगी होती हैं और कुकिंग के दौरान काफी उसके ऊपर ऑयल वगैरह गिर जाता है, जिसकी वजह से इतना टाइम नहीं होता कि हम उसे डेली साफ कर सकें। लेकिन अगर आप ये वीडियो फुल वॉच करेंगे तो इसमें आपको बहुत मैं अच्छा तरीका बता रही हूँ मार्बल को साफ करने का। आपने क्या करना है, जब आप माल्टे लेके आए आप उनके छिलकों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आपने क्या करना है, उनको इस तरह से स्लाइस में बारीक बारीक काट लेने। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए रखे हैं कि ये देखिए इस तरह से मैंने माल्टे के छिलके लिए थे और उन्हें इस तरह से कट कर लिया बारीक बारीक स्लाइस में। और नमक लेंगे 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखें, ये मैंने एक बोतल ली है, इसमें मैंने तकरीबन 1/2 से थोड़ा सा कम इसमें मैंने पानी डाला है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक ऐड कर दिया मैंने। साथ ही हम ये जो हमारे पास माल्टे के छिलके हैं हम ये डाल देंगे इसमें। तो जी व्यूअर्स, ये देखें सारे मैंने जो माल्टे के छिलके हैं ना, जिनको मैंने बारीक बारीक काटा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब हम ले लेंगे बेकिंग पाउडर, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, ये देखें इतना सा, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डालने के बाद ये मेरे पास है शावर जो कि हर घर में मौजूद होता है, ये हम इस तरह से ना शावर लगा देंगे। बहुत ही टाइट सा इसको हम बंद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखें, ये देखें, इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया है। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसे ओवरनाइट रख देंगे। ओवरनाइट के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी मार्बल जो यानी वॉल के ऊपर जो मार्बल लगा होता है ना, आपने वहां पे स्प्रे करना है और फिर देखिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी इसका जो असर है ना वो नहीं निकला। ओवरनाइट से बात ये होगा कि इसका जो सारा छिलकियों का असर होता है ना, ठीक है, वो सारा पानी के अंदर आ जाएगा और बहुत ही अच्छी हमारी वॉल साफ होंगी। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसे लाजमी घर पर ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी जो वॉल है बहुत अच्छे से साफ हो जाए। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।